महाभारत कथा के अगले क्रम में आज हम जानेंगे देवव्रत के बारे में। तो आइए देखते हैं। गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण किए नदी के तट पर खड़ी थी। उनके सौंदर्य और नव यौवन ने राजा शांतनु को मोह लिया था। गंगा बोली, राजन, आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार्य है, पर इससे पहले आपको मेरी शर्तें माननी होंगी। क्या आप मानेंगे? राजा ने कहा, अवश्य। राजा शांतनु ने गंगा की सारी शर्तें मान ली और वचन दिया कि वह उनका पूर्ण रूप से पालन करेंगे। समय पाकर गंगा से शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र हुए, परंतु गंगा ने उनको जीने नहीं दिया। बच्चे के पैदा होते ही वह उसे नदी की बहती हुई धारा में फेंक देती थी और फिर हंसती मुस्कुराती राजा शांतनु के महल में आ जाती थी। अज्ञात सुंदरी के इस व्यवहार से राजा शांतनु चकित रह जाते। उनके आश्चर्य और क्षोभ का पारावार ना रहता। शांतनु वचन दे चुके थे, इस कारण मन महसूस कर रह जाते थे। सात बच्चों को गंगा ने इसी भांति नदी की धारा में बहा दिया। आठवां बच्चा पैदा हुआ। गंगा उसे भी लेकर नदी की तरफ जाने लगी तो शांतनु से ना रहा गया। बोले, माँ होकर अपने नादान बच्चों को अकारण ही क्यों मार दिया करती हो? यह घृणित व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता है। राजा की बात सुनकर गंगा मन ही मन मुस्कराई, परंतु क्रोध का अभिनय करती हुई बोली, राजन, क्या आप अपना वचन भूल गए हैं? मालूम होता है कि आपको पुत्र से ही मतलब है, मुझसे नहीं। आपको मेरी क्या परवाह है? ठीक है, पर शर्त के अनुसार मैं अब नहीं ठहर सकती। हाँ, आपके इस पुत्र को मैं नदी में नहीं फेंकूंगी। इस अंतिम बालक को मैं कुछ दिन पालूंगी और फिर पुरस्कार के रूप में आपको सौंप दूंगी। यह कहकर गंगा बच्चे को साथ लेकर चली गई। यही बच्चा आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुआ। गंगा के चले जाने से राजा शांतनु का मन विरक्त हो गया। उन्होंने भोग विलास से जी हटा लिया और राजकाज में मन लगाने लगे। एक दिन राजा शिकार खेलते खेलते गंगा के तट पर चले गए तो देखा किनारे पर खड़ा एक सुंदर और गठीला युवक गंगा की बहती हुई धारा पर बाण चला रहा था। बाणों की बौछार से गंगा की प्रचंड धारा एकदम रुकी हुई थी। यह दृश्य देखकर शांतनु दंग रह गए। इतने में ही राजा के सामने स्वयं गंगा आकर उपस्थित हो गई। गंगा ने युवक को अपने पास बुलाया और राजा से बोली, राजन, पहचाना मुझे और इस युवक को? यही आपका और मेरा आठवां पुत्र देवव्रत है। महर्षि वशिष्ठ ने इसे शिक्षा दी है। शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। यह जितना कुशल योद्धा है उतना ही चतुर राजनीतिज्ञ भी है। आपका पुत्र मैं आपको सौंप रही हूँ, अब ले जाइए इसे अपने साथ। गंगा ने देवव्रत का माथा चूमा और आशीर्वाद देकर राजा के साथ उसे विदा कर दिया। तो आज हमने देवव्रत के बारे में जाना। आपको यह वीडियो कैसा लगा? यदि पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।